Assalamualaikum alaikum everyone. Uh, this is unit 11.2 of lecture number 11. और जो टॉपिक हम इसमें फोकस कर रहे होंगे वो होगा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स का जो बिहेवियर मॉडलिंग की कैटेगरी में आता है जिसमें आप सिस्टम का बिहेवियर उसकी स्टेट से डिपेंड करते हैं इवेंट्स डिफाइन करते हैं कि किस इवेंट ने इस सिस्टम की किसी भी पार्टिकुलर सिस्टम की स्टेट को चेंज कर दिया और क्या वो एक्शन था जो आप लेंगे किसी भी कंसिक्वेंस में ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट अब इसकी नोटेशन क्या होती है हमारे पास स्टेट होती है देन वी हैव स्टेट ट्रांजिशन जिसके बाद हम एक न्यू स्टेट पे चले जाते हैं कोई ना कोई इवेंट होता है जो अकर होगा जिसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे और ऑब्वियसली जब कोई इवेंट अकर होगा जिसकी वजह से ट्रांजिशन होगी

थ्री ऑफ सिग्नल्स चेक कराऊंगा कि या तो टेम्परेचर हाई है या नॉर्मल है या लो है करना क्या है आपको uh, एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स बनानी है कि अगर टेम्परेचर का सिग्नल हाई पे है तो ऑब्वियसली क्या करना चाहिए ए को ऑन करते लेट मी एनोटेट इट राइट क्या करना है आपको ए को ऑन करना है किस कंडीशन में ऑन करना है जब टेम्परेचर आपका हाई है ठीक है और दूसरा आपको क्या करना है कि अगर आपका टेम्परेचर लो है तो ऑब्वियसली अब टेम्परेचर लो होगा तो क्या ऑन होना चाहिए तो आपको हीटर ऑन करना है किस कंडीशन में ऑन करना है हीटर को जब आपका टेम्परेचर लो जा रहा है जब टेम्परेचर कम होगा तो हीटर को ऑन करना है हाँ अब तीसरी कंडीशन क्या आती है टेम्परेचर के तीसरी कंडीशन पे टेम्परेचर क्या होता है तीसरी कंडीशन पे आपका टेम्परेचर होता है नॉर्मल स्टेट में तो ऑब्वियसली जब आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तो आपको ना ए को ऑन करना है ना हीटर को ऑन करना है Means, इस कंडीशन में आपका ए भी ऑफ हो और हीटर भी ऑफ हो तो अब हमें समझ आ गया कि जब हमारा टेम्परेचर हाई है तो हमारा ए सी तो ऑन है लेकिन हीटर क्या होगा फिर ऑफ होगा और जब टेम्परेचर लो होगा तो हमारा हीटर तो ऑन होगा लेकिन हमारा ए सी होगा ऑफ़ ये हमने कर ली ब्रेन स्टॉमिंग जिससे हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारी इस पार्टिकुलर सिस्टम में जो नंबर ऑफ स्टेट्स आ रही हैं वो हैं वो कितनी स्टेट्स आ रही हैं वो थ्री स्टेट्स आ रही हैं कैसे पता हमें कि हमने यहाँ पे ब्रेन स्टॉम करके निकाला कि एक स्टेट ये आ रही है जब ए सी ऑन है और हीटर ऑफ है दूसरी स्टेट ये आ रही है जब हीटर ऑन है और ए सी ऑफ है और तीसरी स्टेट तब आ रही है जब दोनों के दोनों ऑफ हैं बिकॉज वी हैव थ्री काइंड ऑफ सिग्नल्स हाई लो एंड नॉर्मल ठीक है अब हम इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे कि किस एक्शन की बेसिस में हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिट कर जाएंगे जिसको हम फाइनली कह देंगे कि ये इस सिस्टम की स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है सो ये वो डायग्राम है जिसमें आपने देखा कि मेरे पास थ्री हैं जो एक में दोनों ऑफ है दूसरी में हीटर ऑन है ए सी ऑफ है तीसरी में हीटर ऑफ है एसी ऑन है इस स्टेट पे आपको नजर आ रहा है कि क्योंकि दोनों ऑफ हैं, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल ही रहे तो मैं इसी स्टेट पे लूप बैक कर जाऊंगी ना मुझे किसी को ऑन करना है ना मुझे किसी को ऑफ करना है तो यहाँ मैंने कहा कि इस पार्टिकुलर इस पे जो एक्शन होगा वो होगा डू नथिंग कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना जब भी मेरे पास ये इवेंट टक्कर होता है अगर मेरे पास सिग्नल हाई हो जाता है तो मुझे ऑब्वियसली एक्शन परफॉर्म करना है कि जैसी टेम्परेचर हाई हो एसी को ऑन करते हुए मैं इस स्टेट में आ जाऊंगी और अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो मैं हीटर को अगर मेरा टेम्परेचर इस स्टेट पे नॉर्मल हो जाता है तो मैं क्या करूंगी कि ए ऑन है जो कि नहीं होना चाहिए तो मैं ए को ऑफ करते हुए ए को ऑफ करने का एक्शन परफॉर्म करते हुए इस स्टेट पर आ जाऊंगी हाँ अगर मेरा मेरा टेम्परेचर हाई रहता है इस स्टेट पर तो टेम्परेचर हाई होने के नतीजे में मुझे ए को ऑन ही रखना है और नीचे मैंने absolute कर, uh, करके ये represent करा है कि कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना अगर मेरा एसी हेस, ऑफ है और हीटर ऑन है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो मुझे हीटर को ऑफ कर देना है तो जब दोनों ऑफ होंगे तो मैं इस situation, इस uh, पार्टिकुलर स्टेट में आ जाऊंगी और मैं क्या करते हुए आऊंगी हीटर को ऑफ करते हुए आऊंगी तो एक्शन क्या होगा कि हीटर को ऑफ करना है किस इवेंट के नतीजे में नॉर्मल टेम्परेचर के नतीजे में अगर यहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता है तो एसी ऑफ है जो कि मुझे क्या कर देना चाहिए ऑन कर देना चाहिए टेम्परेचर सॉरी लो होगा इस स्टेट पे तो आपको हीटर को ऑन करना है तो हीटर को ऑन करते हुए मैं इस स्टेट पे आ गई अगर मैं इस स्टेट पे हूँ जिसमें मेरा एसी ऑफ है और हीटर ऑन है और टेम्परेचर मजीद कम होता है तो तब भी मुझे हीटर को ऑन ही रखना है और इसी स्टेट पे लूप बैक कर जाना है, ठीक है अब ये तो एक एक्जाम्पल uh, हो गई जिसमें दिखा दिया कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऐसे बनती है जरूरी नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एक्शन को हमेशा बाहर ऐसे ही रखें कई जगह पे ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि स्टेट के अंदर बता दें कि, कि ये जो स्टेट है इसके अंदर क्या एक्शन परफॉर्म करना है इसको रिप्रेजेंट करने के एक तो ये तरीका है इसके अलावा एक और भी है वो भी हम देख लेंगे ताकि कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये स्टेट दा, ट्रांजिशन डायग्राम कैसी है तो ये हमारी एग्जाम्पल वन थी जिसमें आपके पास थ्री स्टेट्स थी अब हम एग्जाम्पल टू पे मूव ऑन करेंगे ओके okay, ये हमारी एग्जांपल नंबर टू है इसमें आपको एक स्टेट चार्ट डायग्राम बनानी है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के हैं स्टेट चार्ट डायग्राम के एक ही बात है जहां पे स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना है द फर्स्ट स्टेट इज़ ऑबियसली एन आइडियल स्टेट यहां हम दूसरा तरीका देखेंगे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को बनाने का फ्रॉम वेयर द प्रोसेस स्टार्ट ठीक है तो वहां आप इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं कि यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो ये हमारी फर्स्ट स्टेट होगी को आप राउंड uh, शेप uh, से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ओके आई डोंट हैव शेप ओवर हियर तो आप राउंड शेप से रिप्रेजेंट कर देते हैं और कहते हैं यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उसको लेबल कर देते हैं स्टार्ट स्टेट सही है सो फर्स्ट स्टेट होती है वो आइडल होती है जहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है देन नेक्स्ट स्टेट आती है जिसमें आपने ऑब्वियसली जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं फूड पांडा तो सबसे यूज करा ही होगा अगर आप वहां से ऑर्डर करें तो क्या करते हैं सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट सेंड होती है देन आपके पास एक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का मैसेज आता है कि हाँ भाई हमने आपकी रिक्वेस्ट कन्फर्म कर लिया देन थोड़ी देर में आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा डिस्पैच हो जाएगा तो so, मेन तो ये थ्री स्टेट्स हो जाएंगी राइट right? सो so, और ये इवेंट्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे कि पहले रिक्वेस्ट सेंड होती है देन कंफर्म uh, होती है देन डिस्पैच होता है ऑर्डर बट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कभी कभी आपको ऐसा भी मैसेज आता है कि नहीं हम आपको ऑर्डर नहीं दे सकते तो क्यों होता है इट ऑलवेज इट मे बी इट इट दैट थ्रू द फॉलोइंग स्टेट्स एंड मे बी सम समल एग्जिस्ट ठीक है ना कभी कभी आप ऑर्डर uh, करते हैं सेंड रिक्वेस्ट करते हैं और आपके पास मैसेज ही रिसीव नहीं होता ऐसा हो जाता है कभी कभी हम रिक्वेस्ट uh, करते हैं और हमारा वाईफाई uh, फाई चला गया या हमारी लाइट चली गई तो क्या होता है हमने तो ऑर्डर प्लेस किया लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं बीच में ही टर्मिनेट हो जाता है तो उनको पता ही नहीं चलता किसी ने ऑर्डर दिया या कभी ऐसा होता है कि आप ऑर्डर करते हैं और उनकी क्लोजिंग टाइम होता है उस टाइम पे वो ऑर्डर ले नहीं रहे होते तो वो आपका ऑर्डर रिसीव नहीं करते तो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एबनॉमल एक्जिस्ट तो आपको स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम में इस बात का भी ध्यान रखना होता है तो दिस वो किसी भी वजह से होती है किसी भी सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है तो स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम में आपने इसको भी मैंशन करना है अब कैसे होगा वो हम देखते हैं सोल्यूशन में दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के सबसे पहले आपका शुरू हुआ

परफॉर्म होता है वो आपका ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं तो वो आपके ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं ठीक है कि आपका ऑर्डर कैसा है नॉर्मल है या स्पेशल है देन वो आपके ऑर्डर को कंफर्म करते हैं और फिर वो आपका ऑर्डर डिस्पैच कर देते हैं और डिस्पैच ऑर्डर होने के भी नतीजे में आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है और आप एंड स्टेट पे या फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं अब देखिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक एरो को प्रॉपरली लेबल करें कि ये एरो नॉर्मल एग्जिट का है ये एरो कम्प्लीट ट्रांजेक्शन का है ये एरो एक्शन का है नॉर्मल एग्जिट की तरफ आप जा रहे हैं ये एरो इस चीज का है कि आपका ऑर्डर कन्फर्म हो गया है ये एरो इस चीज का है दैट द ऑर्डर इज अबाउट टू लेट्स सी अनदर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि माइक्रोवेव ओवन की uh, मुझे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना के दें तो आपको पता होगा कि अगर माइक्रोवेव ओवन है तो सबसे पहले तो माइक्रोवेव अवन किस स्टेट में होता है उसको मैं उसका मैं उसका बटन ऑन करती हूँ तो उसकी पहली स्टेट तो हो गई रेडी स्टेट ठीक है उसके बाद आप उसका स्टेटस चेक करते हैं तो वो होता है चेक स्टेटस स्टेट देन इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन में आप कुक करते हैं ठीक है ना ये एक और स्टेट हो गई देन एक स्टेट होती है जब आपका अलार्म बजता है बस बजता है कि भाई टाइम आउट हो रहा है जो आपने टाइम सेट करा था अब आप ले लें फिर आप डन स्टेट में चले जाते हैं अगर बिल्कुल रफली मैं कहूँ तो ऐसा ही होता है ठीक है अगर बिल्कुल सुपरफिशली देखें तो यही आपको करना है ओके सो लेट सॉल्व इट ठीक है ऐसा ही है कि जब जब आपने डोर ओपन किया तो वो एक डिसेबल स्टेट में था तब उसने कोई काम परफॉर्म नहीं करा सबसे पहले आप करेंगे क्या जब उसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा वो कोई भी कुक कोई भी आइटम कुक करता है आप चेक करते हैं कि इसका स्टेटस क्या है लेकिन ये एक्शन है कि आप चेक करें, कि आप स्टेटस चेक करें ठीक है फिर वो कुक करता है तो आप जनरेटर रन कर देते हैं कि एक टाइम आर चल जाए जब तक वो टाइम चलता रहता है तब तक वो आपका कोई भी आइटम है वो कुक करता रहेगा अगर टाइम आउट होता है मतलब डन हो गया डन स्टेट में चला गया तो वो बजर बजा देगा फाइव सेकंड्स तक के लिए ठीक है और उसके बाद वेट करेगा कि कब डोर ओपन हो और कब मैं जब तक डोर ओपन नहीं होगा तब तक वेट करेगा कि वो आइटम बाहर निकाल लें आप ठीक है एक होती है चेकिंग स्टेट जिसमें आप उसका स्टेटस चेक करते हैं आ, या तो कोई टर्न टेबल फॉल्ट आ जाता है या कोई एमिटर फॉल्ट आ जाता है उसके नतीजे में भी आप अलार्म स्टेट में चले जाते हैं कि कोई ऐसा इवेंट अकर हो गया जिसकी वजह से आप कुक स्टेट में नहीं जा सकते जा ठीक है ना चेकिंग स्टेट यही है कि अगर उसका स्टेटस ओके तो कुक करें लेकिन अगर अवन में कोई मसला है कोई फॉल्ट है तो अलार्म हो जाए अलार्म सिचुएशन में आप अलार्म स्टेट में आप चले जाते हैं और इवेंट डिस्प्ले हो जाता है कि किस वजह से आपका अवन काम नहीं कर रहा और डिसेबल स्टेट में चला गया देन आप डोर ओपन करके उस डिसेबल स्टेट में होते हैं कि अभी अवन कुक नहीं कर सकता ठीक है सो so, ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम थी अवन की इसके अलावा चेस गेम होता है उसकी भी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बन सकती है बड़ी सिंपल सी कि टू टर्न्स होते हैं एक वाइट टर्न होता है एक ब्लैक टर्न होता है वाइट मेट uh, हो सकता है देन स्टेट मैट हो सकता है या आप uh, चेस का गेम अगर आप देखें तो उसकी काफी इजीली आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं वी हैव मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स इनफैक्ट जरूरी नहीं है कि कोई हार्डवेयर सिस्टम ही हो कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम भी हो सकता है जैसे होटल रिजर्वेशन सिस्टम है तो उसमें आपके पास uh, क्या क्या होंगी स्टेट्स वेटिंग स्टेट होगी देन आप रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मेरे लिए कोई रूम रिजर्व कर दो अब या तो आपकी रिक्वेस्ट कन्फर्म होगी या फिर रिजेक्ट होगी कन्फर्म हो जाती है तो आप वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं और वेटिंग लिस्ट में जाने के बाद अगर फिर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है या तो रिजेक्ट होगी

आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगी राइट दिस इज द एंड ऑफ यूनिट इलेवन पॉइंट टू इज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम थैंक यू सो मच अल्लाह हाफि